हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कानपुर के नए वीडियो में आप लोग का वेलकम है। आज हम लोग आ चुके हैं नौबस्ता में और यहाँ पर आए हैं ओझा कचौड़ी वाला। और फेम अभी तक फिलहाल तो राजस्थानी फूड वगैरह यहाँ पर नहीं मिले थे, कुछ नई मिठाइयाँ वगैरह लेके आए, राजस्थान वाला आइटम आया है। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि लोकेशन की आपको कहाँ पर ये मिलेगा रेस्टोरेंट। एक तरह से स्वीट्स और नमकीन और कचौड़ी वगैरह सब कुछ इनके अवेलेबल है। अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या है, लेकिन पहले दिखाते हैं लोकेशन और उसके बाद चल के अंदर भैया से बात करते हैं और दिखाते हैं कि कचौड़ियों वगैरह की मेकिंग। और काफ़ी जैसे कि कचौड़ी वाला नाम है तो कुछ कचौड़ियाँ यहाँ ट्राई करेंगे। तो पहले दिखाते हैं लोकेशन और उसके बाद चलते हैं अंदर हम लोग। सो गाइस, चलिए देखते हैं ओझा कचौड़ी वाला जो है इनकी लोकेशन क्या। तो लोकेशन दिखाने से पहले पूरा क्लियर नाम है ओझा कचौड़ी वाला। और स्वीट्स एंड नमकीन रेस्टोरेंट वगैरह भी है, हर एक चीज़ अवेलेबल है इनके यहाँ पर, फास्ट फूड वगैरह और मिठाइयाँ वगैरह और नमकीन वगैरह। तो चलिए दिखाते हैं लोकेशन आपको कि ये कहाँ पर मिलेगी आपको। तो ये बना हुआ नवस्ता बाईपास, नवस्ता बाईपास से जैसे ही आप चलेंगे रमईपुर के लिए तो ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और काफ़ी फेमस है ये कचौड़ी, इनके यहाँ काफ़ी फेमस चलती है। और राजस्थानी फूड वगैरह लेके आए हैं, इनकी मिठाइयाँ वगैरह जो है वो राजस्थानी आइटम है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या है इनके पास और ट्राई करते हैं फिर क्या ट्राई करेंगे तो अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन कचौड़ी तो हम लोग जरूर ट्राई करने वाले इनकी, क्योंकि इनका जैसे नाम है ओझा कचौड़ी वाला तो इनकी कचौड़ियाँ काफ़ी फेमस है। तो चलिए चलते हैं अंदर, ज़्यादा बातें ना करते हुए दिखाते हैं अंदर है क्या क्या इनके यहाँ पर। सो गाइस, चलिए आ गए ओझा कचौड़ी वाली शॉप के अंदर। और शॉप और रेस्टोरेंट हर एक चीज़ है यहाँ, और स्वीट्स और नमकीन और राजस्थानी मिठाइयाँ इनके जो आई हैं यूनिक मिल रही हैं, बहुत हट के हैं। और जैसे कि ये की रखी हुई भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले भैया से बात कर लेते हैं। तो भैया वैसे आपका नाम क्या है? सौरभ ओझा। और ये बताइए कितने दिन हो गए इस शॉप को यहाँ पर? इस शॉप को अभी खुले हुए 2 महीने हुए हैं, 2 महीने, जनवरी 15 को खुले। और टाइमिंग वगैरह क्या है आपकी शॉप की? सुबह 8 बजे से रात में 9:30-10 बजे तक। और अवेलेबल क्या क्या है वैसे आपके यहाँ पर? हमारे हर तरीके की राजस्थानी मिठाइयाँ, राजस्थानी कचौड़ी, समोसे और फास्ट फूड का सारा आइटम, नमकीन सब अवेलेबल है। तो कुछ यूनिक मिठाइयों के नाम बताइए जो आपके यहाँ पर राजस्थानी वगैरह हो। हमारे पास मोती पाक, मशहूर पाक, खीर चमचम,
और हमारी और भी कई तरह की गुजिया है वो हमारे राजस्थानी स्टाइल में है। सब कुछ राजस्थानी स्टाइल में। मतलब कानपुर वालों को आप राजस्थानी लोग मतलब टेस्ट देने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जितने भी हलवाई हैं सब राजस्थान से बिलोंग, मतलब राजस्थान से लेके आए सबको, यहाँ से कोई नहीं आया है। तो राजस्थान वाले यहाँ तभी राजस्थान वाला देंगे टेस्ट यहाँ पर लोगों को। वही हम लोग की कोशिश यही है कि आगे हम लोग नई नई राजस्थानी डिशेज जैसे दाल बाटी वगैरह आपको कानपुर में जल्दी, ये अपना RTO ऑफिस के पास में जो ठेले वगैरह लगाते हैं उधर मिल जाएगा, बट कोई रेस्टोरेंट में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो भाई रेस्टोरेंट वगैरह में दाल बाटी वगैरह भी कम मिलती है, तो यहाँ पर भी चालू होने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं पहले इनके जो कुछ भैया ने मिठाइयों के नाम बताए हैं राजस्थानी वाली, तो दिखाते हैं आपको उनका लुक कैसा लगता है और ट्राई करेंगे क्या क्या ट्राई करेंगे। वैसे आज मुझे कौन सी मिठाई ट्राई करवाएंगे आप? आप आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, आप खीर चमचम ट्राई कर सकते हैं, छेने की मिठाई है। और कचौड़ियों में कौन सी कचौड़ी ट्राई करवाएंगे आप? हमारी प्याज की कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम भी दिखाते हैं, पहले आपको इनकी मिठाइयाँ दिखाते हैं और इसके बाद चल के अंदर प्याज कचौड़ी इनकी ट्राई करेंगे, उसकी मेकिंग दिखाएंगे और खीर चमचम जैसे भैया ने बताया वो ट्राई करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं जो ये दो तीन मिठाइयाँ हैं भैया ने बताई हैं उनका लुक कैसा दिखेगा आपको, दिखाते हैं। सो गाइस चलिए दिखाते हैं आपको मिठाइयाँ जो यूनिक मिठाइयाँ हैं राजस्थानी वाली कानपुर में मिल रही हैं। तो चलिए दिखाते हैं एक दो मिठाइयाँ आपको इनके यहाँ पर। तो भैया ये कौन सी है? ये मशहूर पाक है, एक पीस दिखाइए जरा, सोन पापड़ी की तरीके। तो ये सोन पापड़ी की तरह है, आप आइए ट्राई करिए, बहुत कुछ आया यूनिक। और दिखाइए, और ये इनकी गुजिया है, देखिए ये इनकी सोन पापड़ी हो गई जो रखी हुई है, ये हमारी गुजिया हो गई, ये गुजिया है इनकी। तो काफ़ी प्योर देसी घी की हैं, तो ज़्यादातर आइटम आपके यहाँ प्योर देसी घी के ही है, सब आइटम हैं। तो भाई सारे आइटम इनके यहाँ प्योर देसी घी में रेडी होते हैं। और दिखाते हैं इनका कुछ यूनिक दिखती है, ये देखिए ये वाली दिखाते हैं जो इनकी काजू स्ट्रॉबेरी है, तो ये देख सकते हैं आप। ये भाई फ़िलहाल तो अभी तक मैंने भी नहीं देखी कहीं, बहुत जल्दी ये हमारे काजू और स्ट्रॉबेरी का प्योरी के साथ। अच्छा, जो प्योर स्ट्रॉबेरी का प्योरी होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है। तो भाई ये काजू कतली तो बहुत खा रहे होंगे लेकिन स्ट्रॉबेरी वाली नहीं मिल रही है, तो आप आइए यहाँ ट्राई करिए आकर के। और क्या क्या है भैया यूनिक आपके पास? जो आपने बताई खीर, क्या बताया था? खीर चमचम। तो इनकी ये खीर चमचम दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए खीर चमचम वाली इनकी मिठाई है। और यूनिक यूनिक मिठाइयों के नाम मिल रहे हैं इनके यहाँ पर, जो आपने शायद कहीं किसी स्वीट्स वाली शॉप पे देखी ना हो, तो आप भी आइए ट्राई करिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको और भी इनके यहाँ मिठाइयाँ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से भाई देख रहे कौन कौन सी पिन्नी है, और मिल्क केक हो गया, ये हो गया काला कानो, और ये कौन सी है? बालूशाही। ये बालूशाही इनकी देख लीजिए आप, ये एक पीस 80 से 100 ग्राम की पीस, 100 ग्राम का एक पीस है इसका। अच्छा, तो भाई काफ़ी लोडेड है इनकी जो बालूशाही है। तो चलिए, तो भाई ये देखिए हलवा है इनका आकर, भैया कौन सा हलवा है ये? ये गोंद पाक है, ये प्योर मारवाड़ी हलवा होता है, ये आपको कानपुर में कहीं नहीं मिलेगा। भाई इनके पास ऐसी ऐसी डिशेस हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं। और ये देखिए इनकी रसमलाई है, ये हमारी एकदम रबड़ी वगैरह सब मिला के अच्छे से रसमलाई बनाई जाती है। सो गाइस ये देखिए ये इनकी केसर काजू वाली मिठाई है, और राजस्थानी है ये सब मिठाइयाँ, इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, और कानपुर में भी राजस्थानी ज़्यादा आया नहीं है। तो गाइस चलिए आ गए इनके किचन में, दिखाते हैं आपको जो इनकी कचौड़ियाँ हैं, मेकिंग दिखाते हैं आपको कैसे इनकी मेकिंग होती है। तो ये क्या है भैया? मैदा। मैदा है, और इसको पहले से रखते हैं आप? पहले से रखते हैं। और ये क्या है? ये मसाला, प्याज कचौड़ी। मसाला है प्याज कचौड़ी के लिए, तो ये प्याज कचौड़ियाँ रेडी हो रही हैं। तो साइज़ काफ़ी बड़ा है देख सकते हैं आप लोग। और प्राइस क्या था भैया इसका? 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ में आप कचौड़ियों का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बिग है, और बनाने का स्टाइल भी है। और इनका ये दिखाते हैं जो अंदर की फीलिंग है, ये देख सकते हैं आप आलू और प्याज की होती है, और मसाले वगैरह इसमें मिक्स है, और ये रखा हुआ है ये उसी की फीलिंग वाला आइटम है, ये समोसे का है। तो इनके ये समोसे भी रखे हुए आपको दिखाते हैं, ये आप साइज़ का इनका देख सकते हैं, समोसे के ऊपर जो अजवाइन वगैरह है काफ़ी अच्छे से दिख रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको फीलिंग इनकी कचौड़ियों की फिर से एक बार। और एक बार में इनकी काफ़ी कम से कम 10-10, 15-15 कचौड़ियाँ जाती है ऑयल के अंदर, उस पे पूरे पे रख के। वैसे नहीं, जैसे एक बार में आप उस 50 आती हैं।
तो भाई इनकी कढ़ाई में एक बार में 50-50 कचौड़ियाँ जाती है लमसम। ये इनकी दाल वाली कचौड़ी हो गई। तो इस पे भैया क्या क्या मटेरियल है वैसे, कुछ थोड़ा बता सकते हैं? जी ये दाल है, बेसन है, बाकी मसाले हैं। दाल के और मसाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये दाल की कचौड़ियाँ बनाने के लिए इन्होंने रखे हुए एक तरह से लड्डू टाइप के, जो अंदर मैदे वाली जो ऊपर से लेयर होती है उसके अंदर ये दाल वाली कचौड़ियों का जो मटेरियल रखा हुआ है एक साथ। और ये आलू अलग हो गया है, तो ये देखिए फिर से एक बार दिखाते हैं आपको इनकी मेकिंग। ये देखिए इनकी जो दाल वाली कचौड़ियाँ होती हैं उनको एक बार फ्राई किया जाता है, और जो इनकी प्याज वाली कचौड़ियाँ होती हैं उनको दो बार में फ्राई किया जाता है, एक बार में हाफ फ्राई और उसके बाद फिर से फ्राई कर जाती है। तो ये देखिए ये लड्डू की तरह बना के लाई जाती हैं, और कढ़ाई के पास इन्हें कचौड़ी का शेप दिया जाता है और उसके बाद इन्हें ऑयल में डाल जाता है। तो ये देखिए एक बार में ये उस पर रखे कम से कम 10-15 कचौड़ियाँ डालते हैं। तो ये देखिए लड्डू के आकार के अंदर से बना के लाए थे किचन से ये लोग, और अब इसे कचौड़ी का शेप दिया जा रहा है, और धीरे धीरे ऐसे सारी कचौड़ियाँ करके अभी ये ऑयल में जाएंगे। और आपने पहली बार देखी होंगे पानी में कचौड़ियाँ पकाई जाती है, अभी इनके में पानी भी डाल जाएगा ऑयल में, देखते तो चलिए दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। और भाई इनके यहाँ कचौड़ियाँ जो हैं वो दो बार में फ्राई करी जाती हैं ऑयल में, पहले एक बार डाल के उनको हाफ फ्राई करके और फिर से दोबारा उनको फुल फ्राई करी जाती है। तो ये देख लीजिए ये पहले की कचौड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और इसको पहले एक बार फ्राई किया जा चुका है और दोबारा फ्राई हो रही हैं। तो ये देखिए ऊपर से पानी भी डाला जा रहा है इसमें। ऐसी कचौड़ियाँ आप लोग पहली बार देख रहे हैं, ये देखिए ये पानी डालने के बाद क्या हाल है इन कचौड़ियों का। वाह भाई देखिए फ्राई होके आई हैं कचौड़ियाँ ये, और अब इन्हें रखा जाएगा, थोड़ा बहुत जो ऑयल होगा वो हट जाएगा इनका। लेकिन आज यूनिक देख रहे हैं आप, पहली बार मतलब जैसे इन्होंने बताया कि राजस्थानी लोग यहाँ पर जितने भी हलवाई हैं इनके सब राजस्थानी हैं, और बनाने का स्टाइल लिखा आपने पानी वगैरह को जल्दी ऑयल में यूज़ नहीं करता है। सो गाइस चलिए अपनी कचौड़ियों की मेकिंग तो हो चुकी थी, अब आपको दिखाते हैं इनकी चटनी वगैरह जो हैं। तो ये मीठी चटनी है, और इसमें ये धनिया है ना सूखी वाली भी है जो ऊपर हाँ। और दिखाइए खट्टी चटनी, ये देखिए ये इनकी खट्टी चटनी बिल्कुल हरी हरी, लेकिन आप मीठी चटनी और खट्टी चटनी क्वालिटी आप देख सकते हैं। और ये इनकी सब्जी है जो आलू और छोले के साथ, और किस पे दे दे समोसों के साथ में, ये समोसे या आपको कचौड़ी के साथ में किसी का एक्चुअल जो टेस्ट है वो तो चटनी के साथ आता है कचौड़ी का। और ये दिखाते हैं आपको इनकी कचौड़ियाँ रखी हुई हैं, ये बॉक्स हुआ है देखिए ओपन कचौड़ियों का, ये प्याज कचौड़ियाँ हैं। तो चलिए हम भी लेते हैं अपनी प्याज कचौड़ी और फिर ट्राई करते हैं, फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। और ये देखिए ये इनकी रखी हुई दाल की कचौड़ियाँ, तो दाल की कचौड़ियाँ एक बार में फ्राई करी जाती है, लेकिन जो प्याज वाली कचौड़ी होती है उसे दो बार में फ्राई किया जाता है, एक बार हाफ फ्राई करते हैं एक बार फुल फ्राई। तो ये हैं प्याज वाली कचौड़ियाँ देख लीजिए, तो आप ये ट्राई करने। और जैसे कि जो भैया हैं यहाँ पर ओनर हैं जो, तो वो भी राजस्थान से आए बीकानेर से, तो ये है वो देखिए। और एक बार भैया थोड़ी डिटेल बता दीजिए आप कहाँ से रहने वाले, ताकि लोगों को पता चल जाए कि राजस्थानी टेस्ट आप देने आए हमारे कानपुर में। जी हम लोग बीकानेर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में जगह है, हम लोग के दादाजी यहाँ पे आके बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 40 साल पहले। अच्छा, हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो यहीं पर है, बट बिलोंग राजस्थान से करते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ की जो मिठाइयों का और कचौड़ियों का टेस्ट है वो हम लोग को कानपुर में मिला नहीं कभी, तो हम लोग ने आपने कानपुर वालों को खिलाने के लिए आ गए यहाँ। जी बिल्कुल, लोग मैंने क्योंकि काफ़ी लोग से जैसे अभी जो हम लोग के कस्टमर हैं
वो लोग आमतौर पे जयपुर में रावत है जो प्याज कचौड़ी के लिए बहुत फेमस है, वहाँ से मंगवाते थे जयपुर से, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब उनको यहीं पे मिलेंगे सर? जी बिल्कुल। तो चलिए भाई, अब लेते हैं अपनी प्याज कचौड़ियाँ और फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। तो पहले तो इनके यहाँ प्लेट में सर्व किया जाता है, लेकिन जब से कोविड वाला मैटर आ गया तो दोनों में दी जाती है, और ये अच्छी भी है ताकि थोड़ी सो हम लोग सेफ्टी कर सकते हैं। और ये आ रही देखिए सब्जी छोले आलू की, और ये आ गई देखिए मीठी चटनी, सो गाइस खाने से पहले भैया ने कहा है हम आपको इसको राजस्थानी में जैसे लोग खाते हैं और वैसे हम दिखाते हैं आपको कैसे बना के देंगे। तो ये आ गई मीठी चटनी इसमें ऊपर से, वाह भाई वाह। और ये आ गई खट्टी वाली चटनी हरी वाली, और ये आ रही है सब्जी जो आलू और छोले की थी। तो ये आ गई देखिए राजस्थानी कचौड़ी खाने का मज़ा ऐसे ही आता है भाई, वो लोग ऐसे ही खाते हैं। तो भैया को तो अच्छे से पता है क्योंकि राजस्थान से आए हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने ट्राई करने से पहले इन्होंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ राजस्थान में लोग कैसे खाते हैं। तो चलिए अब हम भी ट्राई करते हैं और आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। तो गाइस फाइनली रेडी होकर आ चुकी अपनी कचौड़ी, और हम लोगों ने ली प्याज वाली कचौड़ी जिसका प्राइस 20 रुपीज़ है, और इनके पास छोला प्याज कचौड़ी है जो कि 30 रुपीज़ प्राइस है, और समोसा चाट वगैरह है। तो चलिए खीर चमचा वाली मिठाई पहले हम ट्राई करेंगे इनकी जो आई है, और देखने में तो भाई बहुत गजब की लग रही है, ट्राई करते हैं। बहुत ही यूनिक टेस्ट है, और ऊपर से इसमें गरी गार्निश करी गई है तो उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, और एकदम मिल्क की है, ओरिजिनल टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। वाकई खाना तो बनता है इसको, आप आइएगा ट्राई करिएगा। तो अब लेते हैं इनकी कचौड़ी जिस वजह से पूरे कानपुर में छाए हुए हैं, और फिलहाल तो राजस्थानी मिठाइयाँ वगैरह अपने कानपुर में बहुत कम हैं, कहीं मिलती भी हो शायद तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो इन्होंने इनकी वॉइस से पता चलता है कि हाँ ये राजस्थान से बीकानेर से आए हैं, और आप भी आइए ट्राई करिए। तो जैसे कि पहले हम इनकी वाली ट्राई कर लें जो भैया ने बना के दी हमें, बोले कि हम आपको दिखाते हैं राजस्थान में लोग कैसे खाते कचौड़ियाँ। तो उस पर पहले मीठी चटनी, खट्टी चटनी, और ऊपर से जो सब्जी होती है छोले और आलू की वो डाली थी। तो चलिए ट्राई करते हैं। टेस्ट में दम है, आप ट्राई करने जरूर आइएगा। लेयर बिल्कुल क्रिस्पी है, और जैसे कि आपने देखा होगा मेकिंग में दिखाया है दाल कचौड़ी सिर्फ एक बार फ्राई करी जाती है, लेकिन जो प्याज वाली कचौड़ी है वो दो बार में फ्राई होती है इनके यहाँ, हाफ फ्राई करने के बाद उनको दोबारा फ्राई किया जाता है। तो उस क्योंकि अंदर को जो फिलिंग वाला मटेरियल होता है दाल का, वो एक बार फ्राई करके उसको फिल करा जाता है, जिस वजह से वो कचौड़ियाँ सिर्फ एक बार फ्राई करी जाती हैं, लेकिन जो इसमें आलू और प्याज वगैरह फिलिंग करी जाती है वो फ्राई नहीं होती, इसलिए दो बार फ्राई करी जाती है। तो उस वजह से इसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, खाने में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए एक बार ऐसे ट्राई करते हैं जो विदाउट बनी हुई, जैसे कि दिखाते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं कचौड़ी, हमने मैंने तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए बिल्कुल अंदर का मटेरियल कितना गजब का दिख रहा है। पहले ऊपर हम लोगों ने देखा हुआ था गोले बना के रखे गए थे, लेकिन जो अंदर इसमें दिख रहा है वो काफ़ी अब समझ में आ रहा है कि हाँ जो लेयर है बिल्कुल ऊपर से पूरी कचौड़ी एकदम अच्छे से फिल है, कहीं भी स्पेस नहीं दिख रहा है मुझे। तो चलिए ऐसे वाली ट्राई करते हैं एक बार, सब्जी भी आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं सब्जी का इनकी। वाकई जो छोले की सब्जी है बहुत टेस्टी है, मसाले वगैरह बिल्कुल बैलेंस हैं। भाई टंग पे जब बाइट आएगी और जब आपके दांतों के बीच में आ रही है कचौड़ी की बाइट, तो जो क्रिस्पी नेस आ रही है इसमें ना बहुत अच्छी आ रही है, आप ट्राई करने ज़रूर आइएगा। और प्राइस भी बहुत हाई नहीं है, 20 रुपीज़ है, हर कोई खा सकता है इसे। और एक बार इनकी मीठी वाली चटनी के साथ ट्राई कर लेते हैं, सिंगल ट्राई करते ताकि आपके साथ टेस्ट शेयर कर सकें।
क्वालिटी समझ में आएगी खाने के बाद। मीठी चटनी जब ओरिजिनल बनाई जाती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल हट के आता है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों से एक बार, तो आप भी आइए ट्राई करिए। तो चलिए फिनिश करते हैं अपनी कचौड़ियाँ और आप भी आइए ट्राई करना ज़रूर। सो गाइस फाइनली फिनिश कर ली प्याज कचौड़ियाँ और ट्राई करना बनता है। अगर रेटिंग देंगे तो 5 में 5 है मेरी तरफ से, क्योंकि कचौड़ियाँ वाकई यूनिक टेस्ट है और जो टेस्ट दे रहे हैं वाकई बहुत अच्छा है। आप लोग आइए ट्राई करिए और प्राइस भी, क्वांटिटी भी सही है, क्वालिटी भी सही है और प्राइस भी सही है। 20 रुपीज़ में अधिकतर सब जगह ही मिल रही हैं, लेकिन वाकई हैवी हैंगी कचौड़ियाँ और ट्राई करना बनता है। ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मेरे साथ टेस्ट जरूर शेयर कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे नए नए अड्डों की खोज रहेगी आप लोग के लिए, खाने के अगर मज़ा लेना है तो एक बार आना ज़रूर, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में।